अब डे बाई डे जो है पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ रहा था, देख रहे थे। अब खाने के जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो रेगुलर डेली यूज़ किया से आते हैं, जैसे दही की पाकिट है, तेल की पाकिट है, अनाज है, तुअर की दाल है, तमाम मतलब ब्रेड जाम के ऊपर भी ये लोग आज जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये आम आदमी के ऊपर, जो नॉर्मल लोग थे, जो अब जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गौंडी काम लेबर काम करने वाले हैं, वो लोग जो है दही की पैकेट लेकर रोटी और दही खाते थे, तो वो भी ये सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, जहाँ पर स्टेशनरी का पूरा सामान लगता है, पेंसिल से लेके लबर से लेके हर एक उसके ऊपर भी जीएसटी लगाएं, ये लोग 5% से 18% तक जीएसटी लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये आदमी काम करने वाला नॉर्मल उसकी 200 रुपये पगार रहती, अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये अगर उन्हें उसको जीएसटी को भरेंगे तो 80 रुपये में खाएगा क्या? अगर तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में नॉर्मल जो भी लोग गरीब लोग रहते हैं उनका निवाला छीनने का काम भी ये लोग करें। एक तो बाढ़ की तरफ से, पानी की तरफ से पूरा स्टेट के अंदर जो है पानी की पूरी बाढ़ की तरफ फसल खराब हो गई, किसान परेशान है। और कोविड के अंदर एजुकेशन के बारे में पूरे लोग जो भी जितने भी काम करने वाले थे, कारीगर लोग थे, वो लोगों को सैलरी नहीं, एक तरफ से तनख्वाह नहीं मिलने, एक तरफ से वो लोग भी आज कर्जा लेके, वो पुराना कर्जा 2-3 साल का जो हुआ था वो अभी तक फेंक नहीं सके, इंटरेस्ट बढ़ते काम कर रहे हैं आवाम लोग, जो नॉर्मल लोग, उसके बावजूद भी फिर ये लोग ये जीएसटी लाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया के अंदर पूरा पूरों के पास से पैसा निकालना, गरीब से गरीब आदमी के पास से पैसा निकाल कर पूरे अपने घर भर लेना, ये इनका एक एजेंडा दिख रहा है। पहले तो इनका आरएसएस का एजेंडा था कि बीजेपी का, ये लोग कमरल हाई बोल के पूरा पार्टी लोगों को दिखाते थे। अब ये लोग कमरलिज्म छोड़ के क्या कर रहे हैं मालूम है? ये लोग पैसा के बारे में कमरलिज्म तैयार करें, ये दिख के आ रहा है। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू अपील करना चाहता हूँ कि भाई मोदी साहब को और हमारे सीएम साहब को इमीडिएट ये जो आप ऑर्डर कर रहे हो इमीडिएट रोको, वरना आने वाले दिनों में ये तमाम आवाम को लेके हर स्टेट के थ्रू पूरा स्टेट भर के स्ट्राइक करना पड़ेगा, आपके बारे में पुतले जलाना पड़ेगा, रोडों पे आवाम को लेकर उतरना पड़ेगा। बल्कि आपकी मीडिया सरकार 2014 से पहले तमाम आवाम इस बात से परेशान थी कि पेट्रोल के और गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी हुकूमत आई तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलने पे ये बात ऐलान किए कि मेरे आने की वजह से मुल्क में खुशहाली आ गई। ये खुशहाली, ये अच्छे दिन, वो बस एक तकरीर तक ही महदूद रह गए। उसके बाद मुसलसल जिस अंदाज़ में ये हुकूमत काम कर रही है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन का काम किए जिसकी वजह से आवाम को अपने पैसों से महरूम होना पड़ा, फिर उसके बाद में जीएसटी को लागू किया गया 2018 से पहले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू करना शुरू कर दिया। जिस पर जीएसटी लागू करना चाहिए उस पर लागू नहीं किया गया, और वो क्या चीज़ है? वो है पेट्रोल और डीजल। जीएसटी दरअसल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हिस्सेदार होते हैं जीएसटी के अंदर। अगर दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल के दामों को तय करना शुरू कर दें तो अलग अलग वैट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में आप लोगों को, आम आवाम को अलग अलग रेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही रेट मिलेगा, एक ही टैक्स लगेगा। 18% भी अगर जीएसटी लगता है तो जो पेट्रोल और डीजल की वजह से आम आवाम को दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज से लेकर तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसी से, वो पेट्रोल और डीजल की बुनियाद पर ही होता है, तो वो अगर कम हो जाता तो ये तमाम तर चीज़ें भी सस्ती हो जाती। अब वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर जीएसटी लागू करवा दिया गया है। इसकी वजह से आपको अनाज के ऊपर 5% जीएसटी देना पड़ रहा है जो एडेड रहेगा, और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब जो किराना दुकान डालकर अपने रोज़गार करता है वो किराना दुकान वाले को जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि वो जीएसटी उसको अपना एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो जीएसटी लगाना पड़ेगा। जो इस मामले में आते नहीं थे, जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे, अब वो लोगों को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स,
छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। यह हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन यह दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। इनका मकसद अडानी अंबानी जैसे बड़े कारोबारियों को ये तमाम सहूलतें फराहम करके, फैसिलिटीज़ फराहम करके, बड़े बड़े मॉल्स लगवाने की सहूलतें फराहम करके वहाँ से तिजारत को आम करना है। छोटे कारोबारी या किसान को इनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है ये हुकूमत की। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज़ से वो तकलीफ़ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यह हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यह हुकूमत नहीं चल सकती है इस तरीके से। ये लोग कर्जे में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है वो ख़त्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा अगर इसी तरीके से आम आवाम को, मजलूम आवाम को परेशान करते रहेंगे। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो अनाज के ऊपर, जो पनीर के ऊपर, दही के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें फिर एक बार टैक्स फ्री कर दिया जाए। यातायात जनता दल होती होराट हमको कारण इवत देश बीजेपी सरकार बड़ी ब्यान मैं बरी याकंद्रे प्रतियो धान्य मेले इवत जी एस टी ऐर ಮೊಸರು ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲಸ್ಸಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡಾಡಿ ನಡೆಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸಿರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೇ ಒಬ್ಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಉಗುಳೇನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಂಬರ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಡ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಈಗ ದೇಶದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ಅದ ಆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು ದಯಮಾಡಿ ಬಡ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ ಮಾಡೋನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಲಿ ಏನೋ ಮಾತಿ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಆಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಸತ್ಯನಾಶ ಹೋಗ್ತದೆ ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆದಂಗೆ ಆತಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಲು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಖಚಿತ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾಜ ಸುಂದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ